बलि से पूछा गया। तो बलि कहते हैं तीसरा भगवान ने उनके सर पर रखा और कहा, सर के इंद्र की वह अभिलाषा पूर्ण की वो इंद्रपद को न प्राप्त हो। लेकिन उनके भक्ति को देखकर, उनके दान को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि उन्होंने वामन अवतार को जब अपना रूप, छोटा सा रूप धारण किया और कहा, बलि आज तुझको नीचे के लोग देता हूँ, एक वजन मनंतर आएगा, उसके बाद में तुझे इंद्रपदवी सौंप दूंगा, तब इंद्र नीचे के इंद्रपदवी को लिए सप्तलोक को जाएगा और तुझे इंद्रपदवी दूंगा, क्योंकि तुझे तपस्या की है। मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ, तपस्या का फल खाली नहीं जाता, जो साधना करते हैं उसका फल आज नहीं तो कल तुम्हें मिला, जीवन भर वो फल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम चाहे कितने जन्म भी ले लो। साधना एक करते हैं, ये सारी बातें मेरे परम पुत्र सद्गुरुदेव जी ने जो साधना मार्ग अपना कर सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, सिद्धाश्रम हो या स्वर्ग हो या और कुछ पुण्य का कार्य हो, केवल साधना के बल पर, तपस्या के बल पर भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं को मजबूर कर सकते हैं कि तुम मेरे तपस्या का फल दो, और वो साधना के मार्ग माध्यम से हो सकता है। और ये साधना का मार्ग चाहे कुछ भी हो, देवता भी उसको कोई रोक नहीं सकते कि तुम्हारे साधना फल को, और तुमने साधना निष्ठा के साथ की है। बलि चक्रवर्ती ने यही साधना संपन्न की थी और उन्होंने जो इंद्रपद की साधना के बदले प्राप्त करने थे विष्णु भगवान को उनको देना ही पड़ा। इस अगले मन में हनुमान करने में मुझे इंद्रपदी दूंगा, स्वर्ग का श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाऊंगा। तब फिर इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए, प्रभु आपके इंद्र ने काम किया, बलि चक्रवर्ती को पाताल लोक में स्थान दे दिया और मैं मेरे स्वर्ग में इसी प्रकार रहा, मैं सुखी हूं। इतने संकट में भी उन्होंने जब इस यंत्र की महत्ता का बात करके ब्रह्मा को कहा, तब ब्रह्मा कहते हैं कि प्रभु मैं मुझे एक बात का पता नहीं चला कि भगवान विष्णु ने तो तीन पग रखे, तीन पग में एक उधर गया एक गया, और क्या रहा? तो विशेषुक्त में लिखा हुआ है अत्यंत दशांगुलम, प्रभु ने अपने तीन पग रखते हुए 10 अंगुल शून्य छोड़ दिया था, बाकी सब वो नाप गए थे। इसका मतलब होता है कि मैं 10 अंगुल शून्य में शून्य को छोड़कर मैंने मेरे पाँव को रखा है, इसीलिए तुझे भी कहता हूँ मेरा ये यंत्र जहाँ स्थापन होता है वहाँ के 10 अंगुल तक तेरे ऊपर कुछ भी नहीं होता। उसमें इस पुरुष सूक्त में कहा है, मैं जितना बढ़ा उतने बड़े में तीन भाग हुआ, तो उसके अक्राफ में शून्य में 10 अंगुल मैंने छोड़कर शून्य को भर किया है, और जिसके पास ये वास्तु यंत्र है, वास्तु यंत्र को रखा जाएगा, उसके 10 अंगुल दूर तक किसी प्रकार का कोई भाव, कोई दुष्प्रभाव यहाँ नहीं हुआ। वो एक छोटी सी साधना ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बताई थी, विश्वकर्मा ने इंद्र को बताई थी और इंद्र ने आपको बताई थी। ये साधना आज तक में है, कितने भी वास्तु पंडित हो मैं उनको पूर्ण विशेषता के साथ कहता हूँ। ये यंत्र बनाने के लिए मुझे समय लगा हुआ होगा और मैं समझता हूँ बहुत कम बनाया हूँ, लेकिन कोई भी वास्तु ब्रह्मा इस तरह को जो शक्ति को स्थापित करके जिस घर में इस यंत्र को, इस मंत्र को ऐसा ही वास्तु यंत्र जो स्वर्ग के इंद्र को दिया था, ऐसा ही यंत्र मैंने तैयार किया है। लेकिन आपको कहता हूँ इतने बहुत कम समय, इसे ढूंढने के लिए, निकालने के लिए बहुत समय लगा। ये कब मुझे इसका पता चला कि मैं एक छोटा सा प्रश्न हमारे शेषु महाराज और उदय महाराज को पूछा था कि संसार में पहली बार किसने पुरुष सूक्त, किस देवता की पूजा करते हुए कहा और कब कहा? ये पुरुष सूक्त में पहले 10वें मंडल में और 9वें अध्याय में ये पुरुष सूक्त के 10 सूक्त है, बाकी के यजुर्वेद में और सामवेद में लेकर पूर्ण पुरुष सूक्त बनाए, जिसको पुरुष को पुरुष के साथ पूजा करने को, पुरुष देवता जितने भी है इसको पुरुष सूक्त के साथ पूजा की जाती है, और इसकी पहली पूजा भगवान विष्णु ने स्वयं, नारायण ही इसके ऋषि है, उन्होंने वामन अवतार में जन्म लेते हुए करी, क्योंकि आपने देखा है पहला अवतार मत्स्य था, कूर्म था, वराह था, नरसिंह था, बाद में वामन पुरुष अवतार हुआ, एक पुरुष के अवतार में विष्णु भगवान आए, उस समय पुरुष सूक्त के साथ पूजा की थी, और वो पुरुष सूक्त में ही ये लिखा हुआ है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को नापा, पृथ्वी को भी उससे उन दुखों से निवारण किया भगवान ने अपना पांव रखकर, तो उस तत्व को जहाँ रखा है उस समय भगवान नारायण ने जो यंत्र तैयार किया था, जो ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को पूछकर तैयार किया था, ऐसा ही ये ब्रह्म यंत्र जो भी वास्तु पुरुष, जो भी वास्तु के डर से अपने घर मंदिर
अपना बिजनेस, अपना कोई भी व्यापार इसमें दुखी हैं, मैं उसको सिद्ध करके देता हूँ। आप वो ब्रह्मा मंडल का वास्तु यंत्र ला लो, अभी देता हूँ आपके घर में, मंडल में, स्कूल में, जो भी आपका व्यापार है, आप कहीं भी स्थापन करो, आप उन दुखों से जाएंगे। वो मंत्र भी ब्रह्मा का दिया हुआ, विश्वकर्मा का दिया हुआ है, और भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम के साथ साथ इस यंत्र को ब्रह्मा के साथ सिद्ध करके दिया था। आज वही ब्रह्मोपनिषद वाला ब्रह्म वास्तु मंडल का यंत्र मैं आपको प्रदान करता हूँ। आपकी इच्छा हो तो जिसको वास्तु दोष का अपने घर में दुखी होने का ये है, और ये बात याद रखो, जिस घर में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, गुरु जी हमारे घर में धन गड़ा हुआ है, हमारे घर में या हमारे खेत में धन गड़ा हुआ है, ऐसा ही ये लोग कहते हैं, ये इस यंत्र के स्थापना करने के बाद निश्चित रूप से अगर वैसा कोई है, या तुम्हारे घर में भूत प्रेत पिशाच है, या तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है, इसका ज्ञान केवल 11 दिन में ब्रह्मा दे देते हैं कि तुम्हारे घर में ये दोष है, इस दोष को इससे निवारण करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह यंत्र जो भी अपने घर में धारण करते हैं ऐसे दोषों का निवारण जरूर होता है, और घर में संतति नहीं हो रही, कोई पितृदोष है, तो यंत्र धारण करने के बाद स्वप्न में स्वयं विश्वकर्मा बोलते हैं कि तुम्हें इस दोष से तुम्हारे घर में यह कष्ट पहुंच रहा है। आप वास्तु चाहे किराए के घर में रहो, चाहे घर खुद के घर में रहो, चाहे व्यापार रहो, चाहे और कुछ भी रहो, जहां आपका व्यापार आरंभ नहीं हो रहा है, या आपको व्यापार बंद पड़ा है, या व्यापार नहीं हो रहा है, या आपके किसी में भी त्रास हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो आपको इस यंत्र की स्थापना से केवल 11 दिन में मंत्र करने के कारण आपको उसका पता चल जाए कि क्या दोष है, किस दोष से वो दोष निवारण होते हुए आपके घर में सुख शांति होगी। गड़ा हुआ धन भी इस यंत्र से बाहर आता है, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि पृथ्वी पर तीसरा पद रखने वाले विष्णु ने अपने लक्ष्मी युक्त पद को वहां रखा था और कहा था कि मैं तुम्हारे उसका ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। ऐसा ही यंत्र ब्रह्म वास्तु दोष निवारण यंत्र और ब्रह्म वास्तु निवारण है, जो भी चाहते हैं वो ये लेके आए, मैं उसको आपको उपदेश करते हुए उसका यंत्र को प्राण निष्ठा करते हुए आपको देता हूँ, और माला यही संपूर्ण करेंगे। जो भी जिनकी इच्छा है वे जाकर आए, ये कराए, मैं सतीश भजन।